हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल और आज इस वीडियो में मैं आपको आई इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल्स दूंगी और अगर आप भी अब्रॉड स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या माइग्रेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप में से बहुत से लोग इस टेस्ट के बारे में जानते होंगे और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा डाउट भी होगा और कुछ लोगों को इस टेस्ट के बारे में पता भी नहीं होगा तो वॉट इज आई टी एस एग्जाम एलिजिबिलिटी एंड द फी क्राइटेरिया इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ईच एंड एवरी पॉइंट ना वट इज आई टी एस आई द आई टेस्ट इज द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम ये जो डिज़ाइन किया जाता है अगर आप आ, किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं स्टडी के लिए जाना चाहते हैं या माइग्रेट होना चाहते हैं और आप वहाँ के जो है नेटिव लैंग्वेज स्पीकर नहीं है लाइक like वहाँ पर इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज सिस्टम नहीं है इंग्लिश को तो एक ग्लोबल लैंग्वेज जो है माना जाता है क्योंकि अगर आप किसी और कंट्री में माइग्रेट होते हैं या स्टडी के लिए जाते हैं इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल मानी जाती है तो कंट्रीज सच एज लाइक ऑस्ट्रेलिया कैनेडा न्यूजीलैंड यूके यूएसए तो वहां पर आपको स्टडी या माइग्रेट के लिए इस टेस्ट को अपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इससे आपका जो है आपके लैंग्वेज प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है जिससे कि पता लगता है कि आप उस कंट्री में जाकर इजीली कंफर्टेबली जो है माइग्रेट कर सकते हैं

लिया कैनेडा न्यूजीलैंड यूके तो वहां पर आपको जर्नल ट्रेनिंग मॉड्यूल अपीयर करना होता है ये एग्जाम आपका इंग्लिश प्रोफिशंसी पर डिपेंड करता है इसके अंदर फोर जो है हमारे पार्ट होते हैं लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग लिसनिंग में आपको अप्रॉक्सीमेटली फोर्टी क्वेश्चन आते हैं थर्टी मिनट्स का टाइम मिलता है रीडिंग में भी फोर्टी क्वेश्चन आते हैं सिक्सटी मिनट्स का टाइम मिलता है रीडिंग के अंदर आपको पैसेजेस होते हैं उसमें से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको सॉल्व करने होते हैं राइटिंग टास्क में टू टास्क आते हैं जिसके लिए आपको सिक्सटी मिनट्स का टाइम मिलता है और स्पीकिंग पार्ट जो होता है वो वन ऑन वन होता है जिसके लिए आपको इलेवन टू फिफ्टीन मिनट्स का टाइम मिलता है लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग पेपर एक ही डे पर होता है और स्पीकिंग का जो टेस्ट होता है वो सेपरेट डे पर होता है आएस के मार्क्स जो होते हैं वो बैंड स्कोर के डिपेंड के अकॉर्डिंगली आपको दिया जाता है वन टू नाइन बैंड स्कोर दिया जाता है One जो बैंड स्कोर है वो नॉन यूजर के लिए होता है और इसी तरह नाइन बैंड है वो एक्सपर्ट यूजर के लिए होता है अब बात करें अगर हम आईलेट्स की फीस स्ट्रक्चर की तो इसका फॉर्मेट तो आपको पता ही चल गया है लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इसकी जो फीस है वो फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड है कंट्रीज जो है जो एक्सेप्ट करती हैं यूके यूएसए ऑस्ट्रेलिया कैनेडा आयरलैंड यूरोप एंड मेनी अदर कंट्रीज आते हैं इसका टेस्ट जो है वो टू ईयर्स के लिए वैलिड रहता है और ये टेस्ट मंथ में फोर टाइम्स होता है तो इसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करानी पड़ती है और ऑनलाइन बुकिंग कराने के लिए आप इसकी जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं इसके साथ साथ आपको पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट जरूर होती है बिना पासपोर्ट के आप इस टेस्ट को अपेयर नहीं कर सकते हैं इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारा नंबर जो है आ, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है स्टडी वीज़ा वर्क वीज़ा के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आ, पूरी जानकारी ले सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो